हर तरफ से एक साथ मुसीबत आ गई है। वो कहावत है ना कि जब वक्त बुरा होता है तो हर चीज गलत होने लगती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दूसरी नौकरी ढूंढनी है, इस घर को छोड़ना है, प्रभाकर को हवालात से छुड़ाना है, पूजा को उसकी सास से बचाना है। माय गॉड, कैसे होगा ये सब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिम्मत मत हारिए, ये परीक्षा की घड़ी है और हमें मुकाबला करना ही होगा। घबराने से समस्या और बड़ी लगने लगेगी। दामाजी हमारी बात सुनकर गए हैं। हो सकता है वो अपनी माँ को समझाने में सफल हो जाएं। सारी बात जानने के बाद पूजा और दामाजी के बीच की दूरी खत्म हो जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। निशा, तुम जाकर खाना लगाओ और इंदु, तुम चिंता मत करो। प्रभाकर को छुड़ाने के लिए मैं किसी बड़े वकील से बात करूंगा। तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम किसी और की औलाद हो। क्योंकि तुम दोनों का बाप एक है, मां नहीं। चौबीस साल से जिस मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने मुझे इस लायक बनाया, जिसकी आंचल की छांव में मैं अपना हर दुख भूल जाता था, आज वही कह रही है कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। मैं किसी और की औलाद हूं। कौन हूं मैं? क्या पहचान है मेरी? कुछ नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। आज जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है कि आगे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ अंधेरा। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। ऐसा मत कहिए। हर रात के बाद दिन जरूर आता है। इतना हताश मत होइए। मैं हूं ना आपके साथ। नहीं, रिश्ते से मेरा विश्वास उठ गया है। जब 24 साल से मैं जिसे मां कहता था, उसने मुझे ठुकरा दिया, तो तुम कैसे मेरी सगी हो सकती हो? तुम तो अभी आई हो मेरी जिंदगी में। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया। तुम मुझसे बदला नहीं लोगी? तुम भी कह दो कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, नहीं हूं।
कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आपके हर सुख दुख की भागीदार। पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है पर मैं नहीं। आप किसके बेटे हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न मैंने आपका साथ छोड़ा था और ना मरते दम तक छोड़ूंगी। मैं टूट चुका हूं पूजा, टूट चुका हूं। हिम्मत रखिए, जब सच का पता चल ही गया है तो उसका सामना भी करना पड़ेगा, आगे की परिस्थिति से लड़ना पड़ेगा। मुझे देखिए, इतना सब सहकर क्या मैं टूट गई, बिखर गई? नहीं, मैंने हर परिस्थिति का मुकाबला किया। आपको भी करना पड़ेगा। क्या आपको ये कभी नहीं लगा कि आप माँ जी के अपने बेटे नहीं हैं? नहीं, बचपन से लेकर आज तक मेरा ज्यादा समय हॉस्टल में बीता, और फिर माँ ने मेरी परवरिश इस तरह से की है कि मैं उनकी हर बात आंख बंद करके मानता था। तो क्या मैं तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर दूं? माँ, ये आपको क्या हो गया है? आप शायद पहली बार मुझसे किसी चीज के लिए परमिशन मांग रही हैं। अरे मैंने तो सोचा था कि आप सब कुछ तय करके मुझसे कहेंगी कि बेटा फलाना तारीख को फलाना जगह तुम्हारा विवाह तय हो गया है और तुम फलाना लड़की को इस घर की बहू बना रहे हो। सुना है कि उनकी बेटी पूजा बहुत सुंदर और गुणवान है। मैं उसी को अपनी बहू बनाने की सोच रही हूँ। लेकिन बेटा, पूजा तुम्हें पसंद आएगी तभी मैं विवाह की बात आगे बढ़ाऊंगी। माँ, जब आपको पूजा पसंद है तो मुझे वहाँ क्यों भेज रही हैं? आप उनसे मिलकर बातचीत कर लीजिए ना। कहाँ हो, गए नहीं? वहीं जा रहा हूँ माँ। माँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा लड़की देखना कोई जरूरी नहीं है। वो आपको पसंद है ना, तो ठीक है ना, आप जो करेंगी वो ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह इसी मुहूर्त पर हो। ठीक है माँ, मैं छुट्टी का एप्लीकेशन डाल देता हूँ। उन्होंने जैसा कहा मैं वही करता गया। मेरा विश्वास था कि माँ जो भी करेंगी मेरी भलाई के लिए करेंगी। बहुत गलत सोचता था मैं, धोखा खा गया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि माँ ने मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझे ऐसा बनाया था। लेकिन अब मुझे पता लगाना है कि मैं किसका बेटा हूं, मेरी पहचान क्या है। पर कैसे, आपको कुछ पता भी नहीं है? पता लगाऊंगा, कैसे भी पता लगाऊंगा। ये मेरे लिए जीने मरने का सवाल है। बिना अपनी पहचान पता किए मैं चैन से नहीं बैठ सकता। माँ जी कह रही थी कि इन सब का जवाब ससुर जी के पास है। क्या आपको पता है कहाँ होंगे वो इस समय? नहीं, पर मैं मालूम करके ही रहूंगा। और अगर मेरे पिता दोषी हुए ना पूजा, तो मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। बचपन से लेकर आज तक मेरे पिता ने
एक बार भी मेरी सुध नहीं ली, एक फोन तक नहीं किया, एक टॉफी का टुकड़ा तक नहीं दिया मुझे उन्होंने। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दिखते कैसे हैं। अब तो मुझे अपने पिता से मिलना ही पड़ेगा। बहुत सवाल हैं मेरे पास। आप पहले से ही कोई गलत धारणा मत बनाइए। पता नहीं क्या सच है क्या नहीं। आप पहले ये सोचिए कि उनका पता कैसे लगाएंगे। ढूंढने निकलूंगा तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। पूजा, मैं माँ जी का बेटा नहीं हूं, किसी और की औलाद हूं। ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब मेरे माँ बाप मिल जाएंगे तो मैं खुद सबको असलियत बता दूंगा। अपने भाई भाभी को भी मत बताना। नहीं बताऊंगी, लेकिन एक प्रार्थना है, आप कैसे भी करके प्रभाकर भैया को जेल से छुड़वाने की कोशिश कीजिए। सुधाकर भैया की ज्यादा जान पहचान नहीं है, वो बहुत परेशान है। उन्हें नौकरी भी ढूंढनी है, घर भी बदलना है। आप कुछ कीजिए। मेरे पहचान के एक बड़े वकील हैं, मैं उनसे मिलकर देखता हूं कि क्या हो सकता है। तुम हौसला रखो, प्रभाकर छूट जाएगा। मैं वकील से मिलकर सुधाकर भाई साहब से भी मिलाऊंगा। जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच, मैं पहुंच जाऊंगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। निशा, मैं जरा विजय शर्मा जी के पास जा रहा हूँ, उनका फोन आया था, शायद कोई नौकरी की बात की है उन्होंने। ये वही शर्मा जी है ना, जो आपके साथ पुरानी कंपनी में काम किया करते थे? हाँ हाँ, वही है। अच्छा, वहाँ से मैं बख्शीपुर भी जाऊँगा वकील साहब से मिलने के लिए। ओके, ठीक है। इंदु कहाँ है? इंदु अंदर सो रही है। एक मिनट, मैं देखता हूँ। अरे आप आइए आइए। आइए बैठिए। भाई साहब, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ बदला लेने के लिए ये सब कर रही हैं। मैं अपनी माँ की गलती के लिए आप लोगों से माफी मांग रहा हूँ। माँ के बहकावे में आकर मैंने पूजा के साथ जो ज्यादती की है उसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूं। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, आज के बाद पूजा को कोई तकलीफ नहीं होगी, उसे मैं हमेशा खुश रखूंगा। मेरा विश्वास कीजिए।
दामाद जी, ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते आपको सारी सच्चाई पता चल गई। अब आप अपनी माँ को समझाइए कि ये सब पुरानी बातें भुला दे। अगर उन्होंने अपना भाई खोया है तो हमने भी तो अपनी बुआ को खोया है। वो इस घटना के बाद से जिंदा लाश बन चुकी है, सजा हमें भी तो मिल चुकी है, और फिर ये दुश्मनी बढ़ाकर किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप ये बताइए, प्रभाकर का क्या हुआ? आप कचहरी गए थे ना? हाँ गया था, पर प्रभाकर की कोर्ट में पेशी नहीं हुई। क्यों? आपकी माँ ने पैसे जो खिला दिए हैं पुलिस वालों को, पुलिस वही कर रही है जो आपकी माँ चाहती है।